आज की हमारी रेसिपी है मटन कोशा, मटन फ्राई। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इजी कुकिंग में। यहाँ पे मैं 3 पाव मटन ली हूँ, साथ में मटन का फैट भी बहुत है, तो मैंने इसे अच्छे से धो लिया है, धोके साफ कर लिया है। और यहाँ पे मैं एक प्याज लिया है, इसे हम कट कर लेंगे, पहले छील लिए, उसके बाद हम इसे धोने के बाद इसे हम बारीक कट कर लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा बारीक नहीं कट कर रही हूँ मैं, हल्का सा ही कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से हम एक प्याज को कट कर लेंगे, साथ ही हम गैस के ऊपर रखेंगे एक पैन। पैन को गर्म होने के बाद उसमें हम 2 से 3 चम्मच ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। आप चाहे कोई सा भी तेल ले सकते हैं, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो घी भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे तेल गर्म होने के बाद हमारा कटा हुआ बारीक प्याज हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसे बस सॉफ्ट करना है। सॉफ्ट जब हो जाएगा, थोड़ा सा पका लीजिए, सॉफ्ट 1-2 मिनट में सॉफ्ट हो जाएगा, तब इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच हल्दी और स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी और नमक ऐड कर दिया, इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। थोड़ी ही देर मिक्स करने के बाद इसमें हमारा मटन ऐड कर देंगे। यहाँ पे मटन को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, इसी तरह से मिक्स कर लेना है, थोड़ा सा प्याज के साथ में, हल्दी नमक के साथ में अच्छे से लग जाए। इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हम लोग इसमें 1 गिलास पानी डाल के, आप चाहे तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मटन पकने में कितना टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे 1 गिलास पानी का ही यूज़ करूँगी मटन को पकाने के लिए। और इसे हम स्लो आंच पे भी पकाएंगे और हाई फ्लेम पे भी पकाएंगे। तो ये कितना टाइम लगता है ये मटन के ऊपर अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा ज़्यादा पानी ऐड किया है और उसे हम अच्छे से पका लेंगे जब तक सॉफ्ट ना हो जाए। आप देख लीजिए बीच बीच में मटन पकने में कितना टाइम है। अगर ज़्यादा कड़क मटन है तो आप थोड़ा सा पानी और ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने 1 गिलास पानी यूज़ किया है। जब तक मटन हमारा बॉईल हो रहा है, पक रहा है अच्छे से, तब तक हम प्रिपरेशन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है 6 से 7 लहसुन की कलियाँ ली है, ये बहुत बड़े साइज़ के लहसुन हैं। और साथ में लिया है मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा और ले लिया है 2 मैंने प्याज। इन सभी को मैंने अच्छे से धो लिया है छील के, हम इसका अच्छा से पेस्ट बना लेंगे। इसे हम मिक्सचर जार में ऐड कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने प्याज किस तरह कट किया है, लहसुन और अदरक, बस यही चीज़ें को डालना है और इसका अच्छा सा बारीक सा हमें पेस्ट बनाना है। बहुत सिंपल तरीके से बनाया है ये रेसिपी, आप लोगों को पसंद आएगा और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो ये मेरा पेस्ट बन चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ 20 से 25 मिनट बाद में मेरे मटन अच्छे से पक चुके हैं। बहुत ही अच्छा सॉफ्ट हुआ है और ये बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और जो ऑयल भी था वो भी मैंने निकाल लिया है, तो मटन में जो ऑयल निकला है मैंने उसमें से ये ऐड कर दिया है। साथ ही हम इसी ऑयल में हम 2 आलू को फ्राई कर लेंगे। ये मटन का ही ऑयल है जो हम, जिसमें हमने मटन को बॉयल किया है, तो उसी का मैंने तेल यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने उसी ऑयल में 2 आलू को छील के इस तरह से काट के 2 टुकड़ों में उसे हम फ्राई कर लेंगे। इसमें मैंने हल्दी और नमक नहीं लगाया है और आलू को बहुत ज़्यादा मैंने फ्राई भी नहीं किया है। यहाँ पर मैंने 2 से 3 चम्मच मैंने सरसों का तेल यूज़ किया है और यहाँ पर डाल दिया है मैंने 2 तेज़पत्ता और साथ में 1/2 चम्मच जीरा। तो यहाँ पे इसे अच्छा भूनने के बाद में हम अदरक लहसुन प्याज का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मैंने पूरा ही मसाला यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। होटल में जैसे आप लोग खाते हैं मटन मसाला वगैरह, उस टाइप से, और बहुत ही टेस्टी है खाने में और आसानी से बन जाता है। जब तक आप मटन को उबालेंगे तब तक आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। यहाँ पे लिया है मैंने 1/2 कटोरी दही, उसमें डाला है मैंने हल्दी 1/2 चम्मच, मिर्ची 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच। इन सभी को दही के साथ में अच्छे से मिक्स करते हुए मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिला लेना है। और इसमें मैंने पानी ऐड नहीं किया है और ये बहुत ज़्यादा खट्टा दही भी नहीं था, ये नॉर्मल दही था। तो उसे हम अच्छे से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं अच्छा सा मैंने क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है। और यहाँ पे मेरे प्याज भी जब तक भून रहे हैं, अभी देख सकते हैं ऑयल बाहर आ चुका है, प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह इसे पका लेंगे जब तक पूरा ऑयल बाहर ना आ जाए। तो ऑयल मेरा बाहर आ चुका है, इसमें हम हमारा मसाला ऐड करेंगे दही के साथ में, जो हमने फेंट के रखा था हल्दी मिर्ची धनिया जीरा, तो उसे मैंने ऐड कर दिया। साथ ही उसी बाउल को थोड़ा सा धो के मैं इसमें पानी ऐड करके मसाले को अच्छे से पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने
एक कटोरी ही पानी लिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे अब पकाएंगे। जब तक के मसालों में से पूरा ऑयल ना छोड़ दे तब तक पकाना है। साथ ही में मैंने यहाँ पे गरम मसाला ऐड किया है, होममेड गरम मसाला है। आप चाहे तो कोई सा भी मटन मसाला या गरम मसाला यूज कर सकते हैं। इन दोनों को मिक्स करके हम अच्छे से इसे पका लेंगे। मैं इसे भी ढक के थोड़ी देर पका लूंगी कि अच्छे से ऑयल बाहर हो जाए, मसाला अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और ऑयल पूरा बाहर आ चुका है। बहुत ही टेस्टी है खाने में सब्जी और बनता भी बहुत आसानी से है, झटपट बन जाता है। तो यहाँ पे मेरे मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे फ्राई किया हुआ आलू और हमारा मटन ऐड कर दिया है और जो ऑयल था वो भी मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि वो ऑयल कोई मतलब नहीं था, तो उसी ऑयल को मैंने इसी में यूज़ कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, कितना अच्छा कलर आया है। इसी तरह से अच्छे से मिला लेंगे। खाने में बहुत ही टेस्टी है और बनाना बहुत आसान है, झटपट बन जाता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ी देर इसे पका ले रही हूँ और इसमें मैंने ऐड किया है, एक गिलास से भी कम मैंने गर्म पानी यूज़ किया है, सॉरी मैंने यहाँ पर आधा गिलास गर्म पानी यूज़ किया है। और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। इसे तो बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखने हैं हमको, एकदम थिक ग्रेवी रखना है। तो यहाँ पे मैं बहुत ही ग्रेवी कम रख रही हूँ। उसी तरीके से हम इसे 4 से 5 मिनट तक इसी तरह से पका लेंगे जब तक हमारी ग्रेवी सोख ना हो जाए। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, ऑयल पूरा बाहर आ गया है। इसी तरीके से हमें 3 से 4 मिनट और पका लेना है। और यहाँ पर मैं आलू चेक कर रही थी पका है या नहीं वो अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितना अच्छा और खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही थी। खाने में बहुत ही अच्छा टेस्ट था। आप लोग इसे ज़रूर बनाइए, खाइए और बताइए कैसा बना है। और पूरा ऑयल बाहर आ चुका है, एकदम रेस्टोरेंट जैसा आप लोग घर में बना के खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। इसी तरीके से मैंने बनाया है, आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत ही टेस्टी है। इसे 3 से 4 मिनट तक पकाने के बाद देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है और कितना अच्छा क्रीमी रेसिपी लग रहा है और कितना ग्रेवी कितनी अच्छी लग रही है, क्रीमी क्रीमी टेक्सचर। और खाने में बहुत ही टेस्टी था। यहाँ पे मेरी मटन कौशा बन के रेडी है, बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है, खाने में बहुत ही अच्छा था। आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। यह मटन कौशा इतना टेस्टी था, बहुत ही अच्छा लग रहा था खाने में और देखने में भी उतना ही अच्छा लग रहा था। आप गर्मा गर्म रोटी, चावल, नान, तंदूरी रोटी, पराठे के साथ में इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही इजी तरीके से झटपट बनने वाली रेसिपी है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। बेल आइकन का बटन दबा दीजिए जिससे मेरी आने वाली वीडियो आप तक के नोटिफिकेशन पहुँच जाए। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। आप लोग के इसी तरीके में वीडियो और भी लाते रहूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बाय।